धन वाहिगुरु साहिब जीओ। एक ओंकार सत नाम करता पुरख निरभाउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। ज्ञान ध्यान किछु कर्म न जाना नाहे न निर्मल करनी। साध संगत के अंचल लाओ बिखम नदी जय तरनी। तन तन सतगुरु गुरु नानक साहब पातशाह जी दे दासा में चवरती आत्मक जोत दे मालक। तन तन सतगुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी दी पावन पवित्र गोद विच मिल जुड़ बैठी गुरुसवारी गुरु प्यारी सतसंगत जी हो। सारे ही रसना पवित्र करो, गुरु फतेह नाल सांझ पाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चल रही लड़ीवार विचार गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे अंक नंबर 665 थे सुबायमा तीजी अष्टपदी दे सलोक दी अपां विचार करनी है। सतगुरु दा रहाउ दा बंद एक है सुखमणि साहब विच आपां पहले विचार चुके हाँ। सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम। हुण भगतां दे अंदर विश्राम टका कद आंदा है सिमरन करके प्रभु भगती करके। जब असी गुरु दी गल नूं सुण के जीवन विच अमल विच लैंदे हाँ। पहले दो अष्टपदियां अंदर सतगुरु ने सिमरन दा पहली अष्टपदी च परमात्मा दे मिलाप दा ढंग दस्या है। दूसरी अष्टपदी विच परमात्मा दे मिलाप दे नाल साढ़े अंदर जिहड़ियां चल रहियां गतिविधियां ने उन्हां ते चानण पाया है। हुण तीजी अष्टपदी दे सलोक विच जिहड़ा सेंट्रल आइडिया है वह की समझांदा है कि असी बहुत सारे धार्मिक कार्य कर रहे हैं लेकिन उन्हां धार्मिक कार्यों विच रब की प्राप्ति का कोई भी वसीला कोई भी ढंग अपना नहीं रहा। क्योंकि मन के पवित्र होए बिना अवगुणा के त्याग बिना परमात्मा के सिमरन का बहुतात तौर पर असर नहीं होता। इस गल वल संकेत दवांदे ने सतगुरु जी श्लोक। बहु शास्त्र शास्त्र बहु सिमरती पेखै सर्व ढिंडोल। कहिंदे मैं सारे धार्मिक ग्रंथ लभ ले, सब दे अंदर मैं देख के ये समझ पैदा कीती है कि ये साढ़े उस मकसद नूं पूरा नहीं करता। और इस दी चर्चा हर किसी नाल करके देखी है, ये नहीं कि इन्हां दे विद्वानां दे नाल जिहड़े अनुमति विचारां दे ने उन्हां दे नाल विचार नहीं कीती। पूर्ण तौर पर विचारिया, उन्हां दे नाल भी ज्ञान चर्चा भी कीती है लेकिन वो समझा नहीं पा रहे मनुखता नूं कि किस तरह साडा जीवन सच्यारा हो सकता है और असी रब विच लीन हो सकते हैं। पूजस नाहीं हर हरे, क्योंकि ढंग आया ही नहीं परमात्मा दे सिमरन दा, परमात्मा दी पूजा जा किस तरह पूजा करनी है। इस गल वाल सतगुरु पिता ने बाणी समझाया है, पूजा कीचै नाम ते आईए बिन नाम है पूज न होई। परमात्मा दी पूजा किस तरह करनी है इस नूं जानदे हुए भी धार्मिक आगुआं ने धर्म दे ठेकेदारां ने समझाउण दी कोशिश नहीं कीती। पूजस नाहीं हर हरे नानक नाम अमोल। गुरु नानक पिता कहिंदे ने नाम की जिहड़ी कीमत है, नाम के नाल परमात्मा के गुण धारण करन की जिहड़ी असल बिरती है, प्रेम का गुण दया का गुण खिमा का गुण, जब असी इन्हां नूं अपनांदे हाँ तो परमात्मा के नाल सांझ पैदा होंदी है। और जब असी सांझ पैदा करते हाँ तो साढ़े अंदर रूहानियत का परमार्थ का ज्ञान बहुत खूबसूरत तरीके नाल हिरदे ते सट मारदा है।
और हिरदा जड़ा है गुरु के ज्ञान नाल जुड़ के एक निर्मल जीवन जीण वाले रास्ते ते तुरदा है। अष्टपदी पहला बंद है, जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, बहुत सारे मंत्रां दा जाप, बहुत सारे तरीके तप दे शरीर नूं कष्ट देण वाले, कई पुठे लटकण नूं, कई अग विच बैठ के तप करन नूं, आले दुआले चारों पासे अग बाल के, कई बर्फ ते बैठ के, कई सिर दे उपर ठंडा जल सर्दियां दे टाइम पवा के इहो जे तप कष्ट देण वाले करदे हन, इस दे नाल रब की प्राप्ति तो नहीं हो सकती, होर कुछ भावें होंदा होवे। सतगुरु कहिंदे ने मनुखी जीवन का मकसद जड़ा है वह रब दे विच लीन होना है, पई प्राप्त मनुख दे वरिया, गोविंद मिलन की यह तेरी वरिया, अवर काज तेरे किते नकाम, मिल साध संगत भज केवल नाम। परमात्मा का नाम जपना, परमात्मा के हुक्म ते तुरना, परमात्मा के गुणा नूं धारण करना, ये तीन काम हर एक मनुख दे जरूरी काम है। इन्हां कामां वल ध्यान नहीं है, अपने अपना ढंग अपना अपना तरीका ते सब ने अपना लिया कि असी धर्मी बणांगे, लेकिन अंदर जिहड़ी मैल है बुराइयां दी, अंदर जिहड़ी मैल है ठगी दी, लोभ दी, मोह दी, तृष्णा दी, इन्हां चीज़ां नूं त्याग नहीं पाया है, क्योंकि तरीका नहीं लभिया कि इन्हां दा त्याग किस तरह होवे, असी किस तरह मन ते काबू पाईए, काम क्रोध लोभ मोहकार नूं काबू पा के किस तरह इन्हां दी सही वरतों कर सकीए। खट शास्त्र सिमरत विख्यान, बड़े खट कहिंदे ने छे शास्त्र ते छे ही दर्शन, छे शास्त्र किहड़े ने, सांख योग न्याय विशेषक मीमांसा वेदांत, भाव ग्रंथ पढ़ने, अपने उपर विख्यान दा उपदेश दा असर भावें ना होवे फिर भी उपदेश नूं सुनना, ये विशा छे खट दा बनाया है। ते सतगुरु कहिंदे ने ये सारे किस्म दे शास्त्र पढ़न तों बाद नाम दे नाल ते 108 लग जांदा है। कई आप जी ने देखा होना, कई अपने आप नूं कहिंदे कहवांदे अखौती महापुरश श्री 108 लिखते ने, ये 108 ग्रंथां दी गल है, चार वेद 18 पुराण समृतियां शास्त्र उपनिषद ये सारे मिला के 108 ने, भाव इन्हां दा ज्ञान इन्हां ने पा ते लिया, लेकिन परमात्मा दे सिमरन अते होमे दा त्याग होमे ते काबू नहीं पा सके। योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, हुण दूजा पक्ष है योगियां दा, जिन्हां ने योग करके कसरतां करके शरीर नूं कष्ट दे के जटावां धारण करके विभूतियां मल के अनेकां किस्म दे साधन वरते ने, गुरबाणी होर थां ते वी इस नूं विचारिया, गल नहीं योग न हो, योग न खिंता, योग न जिहड़ा शरीर ते भस्म चढ़ाउण नाल योग नहीं हुंदा, डंडे चक के तुरन नाल योग नहीं हुंदा, योग दे मकसद ये नहीं है। योग दा मकसद की है, गल्लां दे नाल योग या कर्म कांड दे नाल योग नहीं होना। अंजन माहे निरंजन रहिए योग जगत एव पाई, गुरु नानक पिता सानू समझांदे ने असी उस परमात्मा नूं पाणा है ते माया विच रह के ग्रस्त विच रह के उस निरंजन नूं पाणा है, क्योंकि इस माया नूं पैदा करन तों बाद परमात्मा इस सृष्टि विच है, घट घट विच है, हर हिरदे विच है, ते साडा वी काम अपने मन नूं उस तों निरलेप करके ग्रस्त नूं पालदिआं होइआं कामकार करदिआं होइआं उठत बैठत सोवत ते आईए मार्ग चलत हरे हर गाइए दे सिद्धांत नूं अपनाना है। ते योग अभ्यास कोई कसरत हो सकती है शरीर नूं कोई जिहड़ा है, क्योंकि जिहड़े काम नहीं करदे उह योग उस तरीके नूं कसरत दे नाल अपने शरीर नूं ठीक कर सकदे ने, लेकिन योग दा मतलब है रब दा मिलाप, योग दा मतलब है मिलाप, अगर रब दे नाल मिलाप नहीं होया कसरतां विच आलती पालती असी मान लीए, नासां ते अलोम विलोम कर लीए, ढिड दे विच
नसा कट्ठिया करके जो नस ने उन्होंने इकट्ठे करके ढिड घुमा लीए। कई तो यह भी करते हैं नसा बहर कढ़ के साफ करके फिर अंदर ऐसे योगी कर सकते हैं, लेकिन ये सतगुरु पातशाह कहते हैं कतई रब जी के मिलाप नहीं जब तक कर्म चंगे नहीं होंगे। कर्म की क्रिया जी पहले भी आप जी मैं समझाने की कोशिश की है, एक कर्म है चंगे काम करने मेहनत करनी, दूजा कर्म है बख्शिश। रब की बख्शिश कर्म तो प्राप्त कर सकते हाँ जे साडे कर्म चंगे होणगे, साडी सोच चंगी होएगी, साडे किसी के प्रति ईरखा द्वेष नफरत नहीं होएगी, किसी नूं लैट डाउन करन वाले पासे असीं नहीं तुरांगे, किसी नूं नीवा दिखाउण वाले पासे नहीं तुरांगे, अपने कर्मां दा सुधार करांगे, अपने आप विच अपने आप नूं बदलण दी कोशिश करांगे ते लोकां नूं प्रेम दे नाल सत्कार दे नाल उहनां दे जीवन विच वी तब्दीली लिया सकीए। सगल त्याग बन मधे फिरिया, हुण जंगलां च घूमण दे नाल ते कुछ नहीं मिलता, घर त्यागण नाल कुछ नहीं मिलता, जंगल जंगल क्या पवे वण कंडा मोड़े। शेख फरीद जी कह रहे ने वसे रब ही आलिए, हिरदे विच रब वस रहा, जंगल क्या पवे, जंगल जाके की लभ लेंगा। सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह गुरु नानक साहब पातशाह अपने नवे जामे च कहिंदे ने काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही सन समाई। किस तरह समाया है, पोहप मद ज्यों बास बसत है, मुकर माहे जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर घट ही कोजो पाए। हुण इस हिरदे च खोजण वास्ते सत्संगत दी लोड़ है, जे सत्संगत च आ के असी सिर्फ लंगर खाण तक सीमित रहे, सिर्फ दरिया साफ करन तक सीमित रहे, ये मैं नहीं कह रहा कि ये काम नहीं करने, ये काम संगत तो बाद कीते जा सकते, लंगर संगत करन तो बाद छकिया जा सकता है, पहला लंगर तैयार करके संगत च आ के बैठण दा उपराला कीता जा सकता, लेकिन अहमियत संगत दी है, अहमियत सतगुरु दी गोद च बैठ के शब्द विचार सुनन दी है। ये मैं नहीं जे कह रहा, मेरे सतगुरु पातशाह कह रहे ने, सतगुरु नूं सब को वेखदा जेता जगत संसार, डिठै मुकत न होवे जिचर शब्द न करे विचार। जब तक असी कीर्तन शब्द दा नहीं सुनते, असी कथा नहीं सुनते, विचारा नहीं सुनते, और विचारा विच हंस बिरती नाल चंगियां गल्लां नूं नहीं अपनांदे, माड़ियां गल्लां दा त्याग नहीं करते, इस करके साडा घर छड़ के ग्रस्त जड़ा है बना विच जाण दा की फायदा है। अनेक प्रकार किए बहुत जतना, बड़े अनेक जतन किए, मेरे वर्गा भी बहुत सारे जतन कर रहा होगा, लेकिन उस जतन विच फल लगते हैं, जिस जतन विच परमात्मा दे गुण ते परमात्मा दा सिमरन होएगा, जिस जतन विच विवेक होएगा। कबीर जी दी बाणी नूं आप जी पढ़ के देखो, कबीर जी इस नूं बड़े खूबसूरत तरीके नाल समझांदे, बुत पूज पूज हिंदू मुए, तुरक मुए सिर ने आई। ये सिर नवा के जिहड़े हन समझदे ने कि असी नमाज पढ़ ली, साडा फर्ज अदा हो गया, अपने मन नूं नहीं बदलदे, ते दूजा काम करदे ने ओयले गाड़े ओयले जा रहे, एक जला के सोचते हैं कि मरण तो बाद मुक्ति मिलेगी, एक धरती च दबा के समझते हैं कि इस मुक्ति का साधन है। सतगुरु कबीर जी सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब पातशाह राही कहते हैं नहीं, ये साधन नहीं है, तुसी समझण की कोशिश करो। मन रे संसार अंध गहरा, ये बड़ा अन्ना खाता है, जेड़े व्यापार विच खाता अन्ना होवे, जिहड़े व्यापार विच हिसाब किताब ना होवे, ओ व्यापार डुब जांदा है। इसे तरह मनुखा जीवन दे स्वासां विच जे स्वासां दा हिसाब गुरु दे शरण विच बैठ के नहीं करदे, असी माड़े कर्म किहड़े अज कीते ने, कल किहड़े, असी किस चीज़ ते सुधार करना है, अपना खाता ठीक नहीं करदे, रोज़ दे रोज़ जिहड़ा दुकानदार जिहड़ा व्यापारी अपना खाता नहीं मिलांदा, ओ हर टाइम नुकसान विच रहिंदा है, फायदा होने तो बाद भी नुकसान कर जाता है। इस करके कबीर जी कहते ने मन रे संसार अंध गहेरा, ये अन्ना खाता है, अन्ना कुप ओ खूह है, जिस दे विच जो करी जा लभड़ा नहीं है। प्राप्ति वास्ते जीवन नो खूबसूरत तरीका जड़ा गुरु ने गुरबाणी राही दिता है उसनु अपनाना पेगा। पुन दान होमे बहु रत्न, बहुत सारे होम यज्ञ करके उहदे च देसी घिओ भी पा दिंदे,
कीमती वस्तुआं भी हवन कर देंगे। किसी गरीब नूं खाण लई देसी घिओ नहीं दिता जांदा, किसी गरीब नूं जिहड़ा है वह कीमती वस्तुआं बदाम काजू या कीमती जिहड़ी भी वस्तुआं हन अनाज गरीब नूं गरीब दे बच्चे नूं नहीं दिता जांदा जिहदे कोल नहीं है, लेकिन वह अग चबा के सुआ करके मनुख यह सोचता है कि मैं देवते खुश कर रहा। गुरु पातशाह कहते हैं नहीं, इस दे नाल नहीं होएगा। शरीर काटे होमे कर राती, अपना शरीर करके भी कई होम विच पा देंदे सन, कई जानवरों की बलि दे के होम जग विच पा देंदे सन। कहते हैं इस दे नाल भी रब नहीं प्राप्त होएगा, पता नहीं की हो सकता है ये तुसी जानो। वर्त नेम करे बहु भांति, कई वर्त रख के समझते हैं असी रब की प्राप्ति कर रहे हैं, वर्त रख के भुखे रह के शरीर नूं बहुत सारे चर्बी तो बचाया जा सकता है या शरीर के विकार तो बचाया जा सकता है, लेकिन रब के मार्ग से रबी रूहानियत के उपर चंगे जीवन के उपर जब तक मन निर्मल नहीं होंदा रब की प्राप्ति की गल नहीं हो सकती। तो ये साधन भी सतगुरु पातशाह कहते हैं मैं परख के देखे ने, साड़े ग्रंथ टंडोल के देख ले, इन्हां विच कुछ भी मैनू लभ्या नहीं। नहीं तुल राम नाम बिचारा, जब तक परमात्मा दे नाम ते परमात्मा दे गुणा नूं धारण नहीं करता, इसकी विचार नहीं करता, नाम जपना किस तरह, अपने मन नूं निर्मल किस तरह करना, इस दे वल ध्यान नहीं देंदा, ते एक कदी भी नहीं समझ लेना चाहिए कि धर्म दे नाते जिहड़ियां बिरतियां असी बनाईयां ने उस दे नाल रब जी दे नाल साडा मिलाप होएगा। इस साडा भुलेखा गुरु नानक पंचम पातशाह पंजवें जामे च इस गल नूं समझांदे, नानक गुरमुख नाम जपिया। एक बार ते विचार के देखो, गुरमुख जिहड़े गुरबाणी दे सन्मुख होके ते एक बारी सोचो, एक बारी गुरबाणी दे कोल बैठ के अपने जीवन नूं विचार तैयार करो कि असी रोज़ संगत करनी है, रोज़ गुरबाणी पढ़नी है, रोज़ नितनेम करना है, रोज़ गुरबाणी विचार के अपने 23 घंटे, जे 1 घंटा भी गुरु नूं देंदे आ, 1.5 घंटा गुरु नूं देंदे हाँ, क्योंकि 2.5 घंटे तो गुरु के दसवंध बढ़ते, 2.5 घंटे दे के असी अपने गुरु के पासों 21 घंटिया की बरकत मंग सकते हैं, चंगा जीवन मंग सकते हैं, अपने लिए सुख मंग सकते हैं, अपने बच्चों लिए सुख मंग सकते हैं, लेकिन जे 2.5 घंटे भी ना दईए वह भी श्वास असी खा जाइए तो फिर किस तरह संभव होएगा कि उठत बैठत सोवत ध्याईए मार्ग चलत हरे हर गाइए का गुण असी समझ पावांगे। सतगुरु पिता कहिंदे ने एक तो उपराला करके देख लै, एक बारी तो विचार के देख लै जीवन विच किस तरह तुरना है, किस तरह जीवन नूं बनाना है। हुण सतगुरु पातशाह कहिंदे ने उन्हां लोकां दा मैं जिक्र कर रहा जिहड़े सिर्फ भरमण ते रहिंदे ने, नौखंड पृथ्वी फिरै, नौखंड पृथ्वी मतलब धरती दे 9 भाग जिन्हां नूं असी महादेश कहते हाँ, यूरोप हो गया, अमेरिका दिया 2 हिस्से हो गए, अफ्रीका का हिस्सा हो गया, एशियन कंट्रियां हो गई, इन सारियां नूं ते बाकी टापुआं नूं मिला के 9 खंड बनते धरती, इन 9 खंडा विच वी फिर के 9 खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे लंबा जीवन भी प्राप्त कर लिए। असी कई बार लंबे जीवन की कामना करते, आशीर्वाद भी बच्चों नूं कहते हैं कि तेरी उम्र लंबी होवे, लेकिन सतगुरु पातशाह कहते हैं जिस जीवन के अंदर 100 साल तक सिर्फ पाप कमाने होण, सिर्फ माड़े जीवन वल तुरना होए, सिर्फ बिरती नशा वल खचत होए, सिर्फ असी किसी ते जुल्म ही करना होए, तो ऐसे 100 साल 200 साल के जीवन का की करोगे। जिस निर्मल जीवन विच रब का नाम ना जपया होए, चंगे गुण ना होण, अपनी पड़चोल ना कीती होए, कदी ये ना विचारिया होए बंदे खोज दिल हर रोज नहीं फिर परेशानी माए, महा उदास तपीसर थीवे, बड़े उदासी बन जाओ, अपने घर बार छड़ के अपना शरीर दे हारे सारे सुख भी छड़ के तपीसर बन जाओ तो इस दे नाल की हो जाएगा। अगर माहे होमत प्राणा, अग विच अपने होम यज्ञ विच अपने प्राण दे दिओ, कई दे देंदे, कई इस तरह के लोग हैं, इस दे नाल भी साडा जीवन सफल नहीं होना। कनक अश्व हैवर भूम दान, असी सोना दान कर दिए, असी धरती दान कर दिए, जमीन दान कर दिए, अपने हैवर घोड़े कीमती घोड़े दान कर दिए,
अपने हाथ ही दान कर दिए। सब कुछ दान करके भी जब तक निर्मल जीवन नहीं होंदा, मन नूं सुधारन दे रास्ते ते नहीं तुरदे, अंदर दी मैल नूं नहीं धोंदे, गुरु नानक पिता सतगुरु जी ते 35 महापुरश एक आवाज़ विच कहिंदे ने ओ धर्म दे सारे काम असफल हो जाणगे। क्यों असल होणगे? मन मैले सब कुछ मैला, तन धोते मन हछा न होए, भांडा हछा सुए जो तिस भाव सी, पांदा अतमलीन तोता हछा न होए सी। न्योली कर्म करे बहु आसन, मैं पहले भी विचार दिता, न्योली कर्म नाड़ा नू ढिड विच घुमा के ये समझना कि असी किसे रब दी या किसे धुनी दी प्राप्ति कर रहे हैं। कईयां दी सोच होंदी है कि नाभे विच जड़ी है वह प्राण छुपे ने ते वह दिमाग दे पुचाने ने। ये कर्म भी गुरु नानक पिता पंजवें जामे च बहुत चंगे तरीके नाल समझांदे ने। पंचम पातशाह की बाणी पढ़ के देखना, सुखमनी साहब की बाणी मेरिया मातावां भैणां वीर सारे पढ़ना, सारी दुनिया के अंदर सुखमनी साहब के नाँ ते बहुत सारिया संस्थावां ने, लेकिन सही मायने विच सुखमनी साहब के अर्थां नूं समझिया नहीं, सिर्फ वह पढ़ रहे ने। कोई कहिंदा मैं पौने घंटे सुखमनी साहब पढ़ लैंदा, कोई कहिंदा मैं सवा घंटे पढ़ लैंदा, कोई कहिंदा मैं डेढ़ घंटे पढ़ लैंदा। अगर सही मायने सुखमनी साहब नूं सहज तरीके नाल पढ़िए तो घटो घट दो घंटिया विच गुरबाणी नूं समझ के पढ़िया जा सकता है, और ऐसे पढ़न वाले अपने जीवन नूं निर्मल कर सकते हैं। तो नौली कर्म करे बहु आसन, बहुत सारे आसन दे नाल भी मुक्ति नहीं मिलेगी। ये कई योगी फिरदे ने, कई टीवी चैनलों पर फिर रहे हैं, अपने आप नूं योग गुरु कहांदे ने, वो अपने आप नूं नहीं समझा सके, अपनियां अखां नहीं ठीक कर सके, अपने गोडे ठीक करन वास्ते इंग्लैंड पहुँच जाते हैं, लेकिन दुनिया नूं दवाइयां बेच के करोड़पति अरबापति खरबापति बने ने। वो चीज़ां वेच रहे ने जिहड़ियां मनुखता नूं नुकसान करदे। सतगुरु पिता इसे वल ध्यान दवा रहे, ऐसे लोगों तो बचना। जैन मार्ग संजम अत साधन, जैनिया का मार्ग भी देखिया सतगुरु पिता कहते, इन्हां विच ग्रस्त की पालना नहीं करते, ये शादी नहीं कराते, आनंद कारज नहीं करते। कई लोग ये समझते ने संजम रख के भाव ग्रस्त ना रख के असी मुक्ति पा सकते हैं, इस्त्री नूं मुक्ति का साधन नहीं समझते। वो लोग भी गुरु पिता कहते ने बड़े भटके हुए लोग ने, क्योंकि गुरु नानक अकाल पुरख के बारे कहते ने उस अकाल पुरख ने औरत और मर्द बनाया है, सारे जीव बनाए ने, सारी खलकत बनाई है, इन्हां सारयां नूं इक्वल जीण वास्ते ऑक्सीजन बराबर दित्ती है। कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ां नूं और ऑक्सीजन पेड़ां नूं एक समान दिता है, सारे जीवों नूं ऑक्सीजन दिता है, तो मनुखां नूं एक समान ऑक्सीजन दिता है, कोई वितकरा नहीं है। पुरख की ओजा ऑक्सीजन लेगा या औरत वास्ते वक्री कोई गैस है, इस तरह का सिस्टम नहीं है रब का। जल मनुखा वास्ते मर्दा वास्ते भी उ है, जल मेरिया भैन माता वास्ते भी उ है, तो जब सब कुछ इक्वल है, सिर्फ लिंग का फर्क है, तो इस फर्क के नाल असी एक दूसरे से वितकरा क्यों कर रहे हैं? असी ग्रस्त के मार्ग से तुर के श्रेष्ठ मार्ग को अपनाने लिए तैयार क्यों नहीं होते? गुरु पातशाह कहते हैं ग्रस्त का मार्ग जिहड़ा है जीवन असल मुक्ति का मार्ग है, क्यों घर परिवार पालद्या होया रबी गुणा विच मनुख लीन हुंदा है, भैणा वीर लीन हुंदे ने, नाम सिमरन की संगत विच जुड़ के अपने जीवन नूं सफल बनांदे ने। निमक निमक कर शरीर कटावे, जिहड़े लोग अपना शरीर कटांदे ने, अज अंग्रेजां दे टाइम तो पहला भारत विच बनारस विच इक आरा सी जिस नूं करवत कहिंदे सन, उसते शरीर कटा के कई दान पुन ब्राह्मणा नूं करके उन्हूं कहिंदे सन इत्थे मुक्ति होएगी, अपने नाल शरीर आरिया नाल बंद बंद अपना कटा लै। एक दरख्त सी जिहड़ा बहुत उच्चा सी, जिहड़ा कमज़ोर हुंदा सी उन्हूं कहिंदे सन पेड़ ते शिखर ते पहुँचा के इत्थों छाल मार तैनूं मुक्ति मिलेगी। इन्हां सारे चीज़ां नूं समें दे नाल हटाया गया, अंग्रेज सरकारां ने आके हटाया, हालांकि हिंदू राजां ने नहीं हटाया, मुगलां ने नहीं हटाया, हालांकि कई चीज़ां किसी दे आण दे नाल बहुतात नुकसान कर दियां और बहुत सारिया चीज़ा मनुखता के भले भी हो जाए। गुरु पातशाह कहते हैं निमक निमक कर पोटी पोटी कर अपने शरीर में, तू कटा भी लवें तो भी रब की प्राप्ति नहीं हो सकती।
तन भी होमे मैल ना जावे, तन दी होमे दी मैल नहीं जांदी, तद भी हंकार हुंदा है मैं दानी हो गया, मैं शरीर दान कर दिता, मैं इस्त्री दान कर दिती, मैं भूमि दान करती, मैं सोना दान करता, मैं घोड़े दान करते, मैं बहुत वड्डा दानी हो गया। अज असी भी लंगर चला के लंगरां ते पैसे खर्च के गुरुद्वारियां विच शोभावान करना है, सोहणे महल बनाने ने, लेकिन महल सोहणे बनाण दे विच साडी मुक्ति नहीं है, ये गुरु का सन्मान है। सोहणे लंगर की लोड़ है संगत वास्ते, गुरु की संगत दे वास्ते, लेकिन ये मुक्ति का साधन नहीं है। अंदर की मैल नूं धोण वास्ते गुरबाणी की विचार और गुरबाणी के अनुसार जीवन ढाल के ही प्राप्त हो सकती है। इस होमे की मैल नूं धोता जा सकता है। हर के नाम समसर कर कछ नाही, परमात्मा के नाम के बराबर होर कुछ भी नहीं हो सकता। इस नूं हर मनुख नूं, हर हिंदू वीर नूं, मुसलमान वीर नूं, क्रिश्चन वीर नूं, जैनी बोधी नूं, यहूदी नूं समझना पएगा। जिहड़ा परमात्मा घट घट बैठिया है, सारे वीरां दा भैणां दा उही परमात्मा है, जिहड़ा सिखां दा है, क्रिश्चनां दा है, हिंदुआं वीरां दा है, मुसलमान वीरां दा है। ये परमात्मा किसी का वखरा नहीं है, वो एक है, वो एक ओंकार है। हर के नाम तो बिना साडा कोई रास्ता नहीं है। नानक, गुरु नानक पिता कहिंदे ने, गुरमुख नाम जपत गत पाए, उही गत पाते ने जिहड़े गुरु बाणी के सन्मुख होंदे ने। इत्थे गुरबाणी लई गुरमुख वरत्या है, उन्हां मनुखां लई वरत्या है जिहड़े गुरु के सन्मुख हो के गुरु के नाल कमिटमेंट करते हैं। अज असी मत्था टेकण आए हाँ सतगुरु जी, अपनी मत रख के गुरु की मत लैके जावांगे। गुरु की मत तो बिना साडा जीवन सवर नहीं सकता। गुरु नानक पिता कहिंदे ने, जब तक इस नूं जपदे नहीं, सिमरन करदे नहीं, साडा जीवन सफल नहीं होंदा। हुण अगली तीजे बंद विच की उपदेश कर रहे हैं, मन कामना तीरथ देह छूटो, छूटिया जब तक मन की कामना विच फसे हाँ, मनोकामना करके तीर्थां ते जाके असी अपना समा बतीत कर रहे हैं। अगर असी किसी भी धार्मिक स्थान ते जाके सिक्ख्या लैंदे हाँ, वह गल वखरी है। उत्थे इतिहासक स्थान तो गुरु के कौतक नूं सिखदे हाँ, वह गल वखरी है। शहीदां दे इतिहास नूं याद करदे हाँ, वह गल वखरी है। लेकिन यह समझा जाए कि तीर्थ स्थान ते जाके साडी मुक्ति होएगी, सतगुरु पातशाह कहिंदे ने कतई नहीं होएगी। तीर्थ नावण जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। तीर्थ की गल स्पष्ट की है जप बाणी के अंदर, तीर्थ नावा जे तिस पावा, हे रब जी तैनू पावा ते मैं तीर्थां ते जाके नावा। ते गुरमत गुरु दे अस्थाना ते घूमण की इजाजत देंदी है, उन्हां अस्थाना ते जाके कुछ सीखना है। गर्व गुमान ना मन ते फूटे, ये हंकार जिहड़ा है ना, गर्व ये हंकार मन तों हटदा नहीं है। जिन्ना असी तीर्थां ते पटक के सोचते हाँ कि असी कोई वड्डा काम किया है, उत्थों सिख्या नहीं लैके आए। दरबार साहब सरोवर साहब विच इशनान करके जात पात का त्याग करके नहीं आए, ऊंच नीच का त्याग करके नहीं आए। तो उस सरोवर सतगुरु पातशाह कहिंदे ने इशनान तां करना सी, असी सारे भैण भरा बन के जीवन जीए, वो तो किया नहीं। इस गुमान नूं असी मुकाया नहीं, मन तो ये हुटे नहीं, हटे नहीं हन। सोच करे दिनस और रात, दिन और रात शरीर नूं जिन्ना मर्जी मान लईए, इस नूं मांझदे रहिए, मांझदे रहिए। मन के मन इस शरीर के मांझण नाल काया मांझण की हो जाएगा, काया दे मांझण नाल शरीर की मैल जाएगी, मन की मैल नहीं जाएगी। मन की मैल मुकाण वास्ते सिर्फ रब जी के नाम और रब जी के गुणा का ही वो पदार्थ है, वो औखदी है, वो दवाई है जिहड़ी सानू अंदरों निर्मल करती है। सतगुरु ने इसी करके कहा, पर ये हाथ पैर तंदे पानी धोते तो उतरसखें, मूत पलीती कपड़ होए दे साबुण लईए ओतोए। ते हे सतगुरु जी, साबुण नाल कपड़े धोते तो जाते हैं, शरीर धोता तो जाता है, तो मन किस तरह धोता तो जाएगा। पर ये मत पापा के संग ओ तोपै नावे किरण, परमात्मा दे नाम तो बिना, चंगे आचरण तो बिना, चंगे कर्मा तो बिना, मैं कि कोई भी संसार का बंदा तर नहीं सकता। सोच करे दिनस और रात, दिन रात भावें इशनान करते रहिए। मन की मैल ना तनते जात, इस शरीर तो
वह मैल तो चली जाएगी लेकिन मन की मैल नहीं जाएगी। ये तन की मैल पानी दे नाल, सरफ दे नाल, शैंपू दे नाल, कपड़े की मैल, तन की मैल जा सकती है, मन की मैल सिमरन दे नाल, गुरबाणी नूं विचार के जीण दे नाल जा सकती है। इस देही को बहुत साधना, इस देही दे बहुत सारे साधन कीते हन, इस देही को बहुत साधना करे, बड़े साधना कीते हन, तद भी मन साध्या नहीं गया। मन ते कभू ना बिख्या टरे, ये बिख रूपी विचार, गंदे और नीच विचार साढ़े अंदरों कदी भी खत्म नहीं होए। असी नीच विचारां विच जींदे जींदे इस संसार तो चले जाते हैं लेकिन निर्मल जीण का रास्ता कदी नहीं लभ्या है। सतगुरु पिता कहिंदे ने जल धोवे बहु देह अनीत, अनेक वार शरीर नूं धो लै, इस जल दे नाल भावें धो, भावें इस नूं सर्फ दे नाल धो, भावें कोई जल जिहड़ा है किधरों होर लिया के धो, कुछ नहीं होण लगा। सुध कहां होए कांची पीत, एक कच्ची मिट्टी दी देही है, जिस टाइम इस दे विचों परमात्मा दी जोत निकल गई, इस मिट्टी नूं किसे ने नहीं रखना, दो घड़ी ना रखे कोई, दो घड़ी भी किसे ने रखना, ते काढ़ो रे काढ़ो होई। इनू लोगों ने पूछना किस टाइम फूकना है, ये दसो, कोई देव दिनां च फूक देगा, कोई चार दिनां च फूक देगा, कोई ग्यारह दिनां च इस शरीर नूं फूक देगा। तो बहुत जरूरी है कि मन दे वल ध्यान दे, मन हर के नाम की महिमा ऊंच, परमात्मा दे नाम तो बिना उच्ची महिमा होर कोई हो ही नहीं सकती, ना ही अपने मन नूं निर्मल कीते बिना, परमात्मा दे विच सुरत जोड़े बिना, गुरबाणी सुरत टिकाए बिना जीवन सफल हो सकता है। नानक नाम उदरै पतत बहु मूच, इस शरीर नूं पतत करन दी थां ते मन नूं पवित्र करिए, नाम दे नाल जुड़िए, रब्बी गुणा दे नाल जुड़िए, गुरु कृपा करे सानू ये समझ पैदा होवे, गुरु उपदेश गुरबाणी दे अनुसार असी जीवन जी सकीए। बाणी पढ़दिया विचार पेश करदिया अनेक भुलां हो गई होणगियां, अनजाण जाण के क्षमा करनी, गुरु की बख्शिश और कृपा दे बदौलत आप जी कृपा खिमा करनी, जाने अनजाने च कोई गुरमत तो उठ क्या गया होवे, खिमा दी जाच सारे ही रसना पवित्र करो, गुरबाणी नूं हिरदे च वसाण वास्ते सतगुरु अगे जोधड़ी करो, फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।